ए बेचारे डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ बचा। तो अपने टूटी हुई झोपड़ी में मैं बैठ के भगवान का गुणगान कर रहा था माँ, जैसे मेरे कानों के निकट आवाज आया और दौड़ के जाकर के मैंने इसे बचाया हूँ माँ। और ये लड़का कह रहा है कि भैया आप मेरे प्राणों का रक्षा किए हैं और मैं आपसे मैं दोस्ती लगाने के लिए चाहता हूँ। बेटा जंगल में रह करके तुमने कितना बड़ा काम किया। हेलो हेलो जी, आई आप ही नाम के दौर में रोशन की मम्मी, रोशन की मम्मी की तरफ से शानदार 21 रुपये का पुरस्कार। बेटा ध्रुव, आज तुमने इस जंगल में रह करके कितना बड़ा काम किया, अगर आज तुम नहीं रहते तो शायद इस बालक का जीवन नहीं बचता, वो बूढ़ा शेर इसे नोच नोच करके खा जाते। अगर मैं सही टाइम पर नहीं जाता तो न जाने इस बेचारे को उस शेर ने नोच नोच कर खा जाता माँ। लेकिन बेटा, हाँ माँ, तुमसे दोस्ती जो लगाने के लिए चाहते हैं, इसका कहाँ घर है, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाले हैं? अरे माँ, खुद ही पूछ लो कहाँ घर है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। सुनो बालक, हाँ माँ, तुम जो जंगल में आया है मेरे बेटे से दोस्ती लगाने के लिए, ये बताओ कि तुम्हारा कहाँ घर है? माँ, मेरा घर उत्तमपुर शहर है माँ। क्या उत्तमपुर शहर? और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रजा उतावन बाद सिंह। और तुम्हारा क्या नाम है? उत्तम कुमार माँ। देखो, तुम एक राजा महाराजा की लड़का हो, मेरा बेटा एक भिखारन की, दिन भर भीख मांगते हैं तो दोनों माँ बेटा मिल करके भोजन करते हैं। जिस दिन भीख मांगने के लिए नहीं जाती हूँ उस दिन दोनों माँ बेटा भूखे झोपड़ी में सो जाती हूँ। देखो, ये तुम राजा महाराजा की लड़का हो, ये दोस्ती नहीं लगेगी, तुम घर वापस चले जाओ, क्योंकि घर में तुम्हारा माता पिता तुम्हारा इंतजार करते होंगे। माँ, अगर आप दोस्ती नहीं लगाएगी, मैं इसी झोपड़ी में अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा माँ, वापस झोपड़ी नहीं जाऊंगा। नहीं, अगर तुमने मेरे झोपड़ी के निकट अपना प्राण दे देंगे तो इसका पराचित मुझे लगेगा। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलो आज मैं तुम्हें दोस्ती लगा रहा हूँ। जो आ गया माँ। हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं दिया, आज मैं दोस्ती लगाने के लिए जा रही हूँ। जैसे दोस्ती लगाएंगे, एक बार सभी आदमी जोर से दार से ताली बजा देना। आहो तो सती हो, हल्ला कभी आई हो बाबूजी, आज उती न जा जंगल में हो बाबू सा, आज उती न जा जंगल में गे मैया गे, आज लगा भी आई दो सती। एक बार सभी आदमी जोरदार से ताली बजा दीजिए। प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे लाल। पहले मुझे एक बेटा था, आदि से मुझे दो बेटे हो गए, एक राम और एक लक्ष्मण। क्यों नहीं माँ, लेकिन माँ दोस्ती तो लगा दिया माँ। हेलो, अब मेरा मित्र कब आया है इस जंगल में शिकार खेलने के लिए? नहीं आया है। हाँ बेटा, मेरे मित्र जी को भूख लग गए होंगे माँ। क्यों नहीं, अगर कुछ मांग चांग कर लाई हो खाने के लिए तो मेरे मित्र जी को खिला दो माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ माँ, चलो बेटा, मैंने झोपड़ी में खाना रखी हूँ, चलो तुम दोनों पहले भोजन कर लेना। चलो माँ। अरे याजुद्दीन, अरे चल रे तू लारबा, टूटली रे छो
परिया रे बाबुआ टोटली रछो परिया रे बाबू रे आज खई है झोपारी में भो हो जाने आहो धारी माले लगी हो भैया जी पतली डगरिया ना पतली डगरिया यावा आज दिन चल ले हो भैया जी टूटली रे झोपड़िया ना रे जान जान रे टूटली रे झोपड़िया ना रे जान जान अब हो सुनिया आगे के का बेटा तुम दोनों भोजन कर लिया। हाँ माँ। ऐसा करो तुम अपने मित्र को इस जंगल से कुछ आगे दूरी से छोड़ आओ। मेरे मित्र को? हाँ क्यों नहीं माँ, मैं अपने मित्र को जाता हूँ और कुछ दूर छोड़ आता हूँ माँ। हाँ बेटा। मित्र जी, माँ मैं तो आपके हाथों से भोजन कर लिए, मैं मित्र को अपना महल ले जाना चाहता हूँ माँ। लेकिन बेटा, हेलो, तुम जानते हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, एक मेरा बेटा सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने पुत्र को अपनी नजरों से दूर कहीं नहीं जाने देती हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे नजरों से दूर हो जाते हैं तो ना जाने मुझे इस झोपड़ी में मन नहीं लगते। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो अपने मित्र को अपने साथ ले जाओ, इसे घर दिखा करके अपने माता पिता से दर्शन करा करके इसे वापस भेज देना। ठीक है माँ। जाओ बेटा ध्रुव, मित्र के साथ मित्र के घर जाओ। ठीक है माँ। प्रणाम माँ। जाओ बेटा। और माँ मैं जा रहा हूँ मित्र के महल, और यहाँ से जाऊंगा मित्र जी की माँ और पिताजी से मुलाकात करके बहुत जल्द चला होऊंगा माँ, मैं वहाँ रुकूंगा नहीं। अरे या सारा हाथे खबो धुरू पर। हाँ माँ। बैठी करे जो परमारे बाबुआ जलती भी है मैया के रैला है की जवा ए या सारा गे आंदकिया गे मैया गे ए टूटली गो परियास मैया गे ए बबुआ चला लो ओ तम पुराना गारिये ना। हेलो मित्र जी। हाँ मित्र जी। मित्र जी,